नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आप एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ मनोविज्ञान की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं इसमें। कई लोग कह रहे थे कि सर आप बहुत तेज़ी से बताते हैं छोटा वीडियो बनाने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा इस बार आप जो है सही से बनाऊं वीडियो और आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जन्म से पूर्व शुरू होती है, आप सभी लोग जानते हैं। विकास की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती है, निरंतर चलती रहती है। अगर आ जाए कि विकास की प्रक्रिया जो किस रूप में चलती है, तो आप लोग लगाएंगे कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जान लीजिए आप, 5 अवस्थाएं होती हैं। वातावरण में सब बाह्य तत्व तो आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये किसने कहा था? उडवर्थ ने कहा था कि वातावरण में सब बाह्य तत्व तो आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय को, जीवन आरंभ करने के समय की जहाँ बात आए, आप समझ जाइए कि उडवर्थ ने कहा था। अगला है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये बी एन झा ने कहा था। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं जीन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीन के द्वारा जो है वंशानुक्रम जो है निर्धारित होता है। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों से मापा जा सकता है, ठीक है। अगला है, शैशव काल का नियत समय क्या है? तो शैशव काल का जो नियत समय है वो 5 से 6 वर्ष है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि तीव्र बुद्धि का जो है विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास सामान्य से तीव्र होता है, सामान्य की गति से तीव्र होता है। यदि बालक की बुद्धि तीव्र होगी तो विकास भी तीव्र होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली। फिर बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है? जी हाँ, 90% बाल्यावस्था में भी हो जाता है, याद रखिएगा कि 90 पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है तो स्वयं के अध्ययन पर। अंतर्दर्शन यानी स्वयं का दर्शन, अंतर्दर्शन जिसे आप कह सकते हो। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है? आनंददायक सरल कहानियाँ कोलोसनिक का है, याद रखिएगा। अगर आनंददायक सरल कहानियों की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि यह कथन जो है कोलोसनिक का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, और मैकडूगल ने जो है 14 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। इन प्रवृत्तियों का उल्लेख हम जब सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे तो उसमें करेंगे कि सिद्धांत जो है, इसके बाद मैं अधिगम का सिद्धांत लाने वाला हूँ। जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं वो पूर्ण रूप से मैं जो है कल तक या परसों तक कंप्लीट करा दूंगा, फिर बुद्धि का, और फिर उसके बाद जो है मैकडूगल हुए और भी जो है मैस्लो वगैरह, उनके भी पढ़ाऊंगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता पर होता है, यानी जब हम विकास की बात करते हैं तब उसकी कार्य क्षमता पे, तो उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था। संवेग यानी कि भावनाएं जो अपने अंदर होती हैं उनकी बात हो रही है, तो किशोरावस्था में बहुत ज्यादा जो है इसका प्रभाव पड़ता है। बुद्धि और विकास हैं एक दूसरे के पूरक, ध्यान रखिएगा। चरित्र विकास का प्रतीक है उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक पद्धति। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है, यानी बालक के मानसिक विकास के लिए जो है अध्यापक के क्या कार्य हैं, कैसे जो है बालक का मानसिक विकास हो पाएगा? तो देख लीजिए, बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करने होंगे, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, व्यक्तिगत भेदों की ओर
ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करनी होगी। यानी कि अध्यापक को यह जानना होगा कि बालक कैसा है, प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक है या फिर समस्यात्मक है या पिछड़ा बालक है। इन व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान दे करके जो है उसको उसी वातावरण में ले जाना होगा जहाँ वो मतलब सुटेबल हो। फिर अगला है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो भय, क्रोध और स्नेह, याद रखिएगा। अब बात करते हैं किशोरावस्था की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जो है, किशोरावस्था को जो है तूफान काल कहा था स्टेनले हाल ने, ये याद रखिएगा। मैंने क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको मिल गया होगा। तो किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। आप ये समझ लीजिए कि किशोरावस्था में ही सारी समस्याएं जो है बालक में होती हैं, और जो है संवेगात्मक विकास में जो है तीव्र परिवर्तन होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। शैशवावस्था जन्म से 0 मतलब 0 से 7 वर्ष या जन्म से 7 वर्ष तक आप कह सकते हैं। चलिए अब अगले उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से। जैसे ही बच्चा पेट में आता है उसके जो है विकास प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद कितनी होती है? 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष तक जो है बालिकाएं जो है लंबाई में उनकी वृद्धि होती है। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं, यहाँ पे नहीं, ये दोनों ही जो है बालक के विकास को प्रेरित नहीं करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक बालक प्रेम की भावना, काम की प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रायड ने यह बताया है कि शैशवावस्था में जो है बालक के अंदर प्रेम की भावना, काम प्रवृत्ति जो जागृत होती है, ये फ्रायड ने बताया है शैशवावस्था में। रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया। रास ने बताया है कि 12 से 18 वर्ष तक जो है किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास, यानी मानसिक विकास जो होता है वो बाल्यावस्था में ही होता है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? किशोरावस्था, यानी कि स्टेनले हाल ने इसको तूफान की अवस्था कहा है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये आलपोर्ट का सील गुड़ सिद्धांत है, उसमें जो है इन्होंने काफ़ी चर्चा की है व्यक्तित्व के विषय में, उस पर भी चर्चा करेंगे। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था। विकासवाद के समर्थक कौन है? विकासवाद के समर्थक हैं डीके एवं बुश, गाल्टन एवं डार्विन। विकास का तात्पर्य, विकास होता क्या है? विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी बालक में मेच्योरिटी आती है धीरे धीरे, वही विकास है। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था, मतलब किशोरावस्था को बालक पूर्ण कर चुका है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व ही शुरुआत हो जाती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन जो है हरलाक का है। नवीन विशेषताओं, नवीन योग्यताओं की अगर बात हो तो आप समझ जाइए कि हरलाक ने ये कहा है। शैक्षिक दृष्टि से बालक की विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलिए अब आगे चलते हैं। स्किनर का मानना है, स्किनर क्या कह रहे हैं, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं, यानी बालक जो है जब उसके अंदर डेवलपमेंट होता है तब उसके अंदर जो है व्यक्तिक भिन्नताएं आ जाती हैं। कोई पिछड़ा बालक हो जाता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई किसी खेल में आगे होता है, कोई किसी खेल में आगे होता है। वहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि विकास के स्वरूपों में जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर व्यक्ति भिन्नताएं होती चली जाती हैं। यह विचार जो है या जो सिद्धांत है वह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, ये स्किनर का मानना था, स्किनर ने दिया था। अगला है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? फ्रायड थे। इनका सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। मुझे बालक दे दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बालक दे दिया, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मुझे
वैसा बना दूंगा। वाटसन, इन्होंने व्यवहारवाद की संकल्पना की थी सबसे पहले, याद रखिएगा। और ये परिभाषा याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा बना दूंगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की तीन स्थितियां हैं, कौन सी? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, ये सिगमंड फ्रायड का जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सिद्धांत, तो इसमें जो है इडम, ईगो और सुपर ईगो, इसकी बात की गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बात की है फ्रायड ने, इड ईगो एंड सुपर ईगो मानव संरचना का अभिन्न भाग मानता है फ्रायड। ठीक है, केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं फ्रायड के अनुसार, मृत्यु और जीवन। तो मृत्यु और जीवन जो है दो प्रकार की जो है इन्होंने मूल प्रवृत्तियां मानी है। अगला है रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वास्थ्य विकास हो सकता है यदि, तो वातावरण जिसमें वह रहता हो, यानी बालक जिस वातावरण में रहता है उसको, जो मैंने वायोटेक्स्की का सिद्धांत आपको बताया है उसमें सामाजिकता की बात की गई है, समाज की बात की गई है, तो यही है, जिस वातावरण में वो रहता है वहाँ की रुचियाँ और मूल प्रवृत्तियाँ और स्वाभाविक संवेग उसके वैसे ही हो जाते हैं। चलिए अगले उसकी तरफ चलते हैं। विकास की प्रक्रिया संबंधित है अधिगम से एवं कौशल अधिगम से, यानी जब बच्चा सीखेगा तभी तो उसका विकास होगा, तो यहाँ पे अधिगम की बात हो रही है। विकास जो है, विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है, अधिगम भी मंद हो जाएगा जब विकास की मंद गति होगी तो अधिगम भी जो है क्या कहते हैं मंद होगा। अधिगम के लिए आवश्यक है बालक की मानसिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता। कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है शारीरिक विकास की, यानी स्किल की बात हो रही है यहाँ पे, स्किल की बात हो रही है। जब स्किल की जब आवश्यकता होगी तो शारीरिक विकास होगा उस स्किल से। अस्त विकलांग बालकों के समक्ष अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है शारीरिक विकास के कारण, यानी जो हड्डियों से या पैर से या हाथ से विकलांग है तो जो है शारीरिक विकास इसका कारण में जो है मुख्य बाधा हो जाती है। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास। स्वस्थ शरीर में निहित है स्वस्थ मन। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तित्व गुणों को सीखने में सहायक होता शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास, यहाँ पे आप वातावरण भी कह सकते हो। स्वस्थ शरीर में निहित होता है स्वस्थ मन। गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है शारीरिक एवं मानसिक विकास। विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण होता है शारीरिक विकास, यानी कि जो विकलांग होगा उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा तो विद्यालय में या समाज में जो है उस प्रकार से शुरू शुरू में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, समायोजित अपने आप को नहीं कर पाता है। शारीरिक विकास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मानसिक विकास में योगदान देता है, यह अधिगम में योगदान देता है, कौशलों में मतलब योगदान देता है, यानी कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी मानसिक क्रिया, अधिगम और सीखने की शक्ति जो है प्रबल होगी अन्य बच्चों की अपेक्षा। मानसिक रूप से मंद बालक का अधिगम स्तर कम होता है क्योंकि जो मानसिक रूप से जो है मंद बालक होते हैं विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। अवधान का संबंध होता है मानसिक विकास से। स्मृति विहीन बालक का अधिगम स्तर निम्न होता है क्योंकि उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। स्मृति विहीन या जो भी भूल जाते हैं, थोड़ी देर रहता है उनके दिमाग में भूल जाते हैं, उन्हें स्मृति विहीन बालक कहते हैं। एक बालक अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ माना जाएगा, यानी मानसिक विकास का अभाव। प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है मानसिक विकास। अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां हैं, अधिगम से संबंधित यानी सीखने के से संबंधित स्मृति, अवधान और चिंतन। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर किया जाता है? मानसिक आधार पर जो है उनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग, उसमें और अगला क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है उच्च मानसिक विकास को। अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है मानसिक शक्तियों की। किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है उचित शारीरिक विकास, उचित मानसिक विकास, यानी कोई भी कार्य आपको करना, कोई भी बालक कार्य करना चाह रहा तो जैसा उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा उस प्रकार जो है वो उस कार्य को जो है बहुत जल्दी कर लेगा, बहुत आसानी से कर लेगा। अगला है उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है तो उत्तम स्वास्थ्य। मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है अधिगम को। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो सीरीज चल रही है मनोविज्ञान की उसी पे आधारित है, मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।
और दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले एक दो दिन में जो है आप लोगों के लिए जो भी सिद्धांत हैं मनोविज्ञान के वो मैं लेके आऊँ उनको। यदि आप एक बार सिद्धांत समझ गए मनोविज्ञान के तो निश्चित रूप से जो है मनोविज्ञान में आपको 25 से 30 क्वेश्चंस में कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात और, आप ये जो पेपर होता है इसमें जो आता है मतलब जो भी इनका आता है इसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पेडागोजी के दिए रहते हैं। हर उसमें हर सेक्शन में पांच पांच क्वेश्चन दिए रहते हैं मनोविज्ञान के। तो निश्चित रूप से अगर आप सिद्धांत सारे समझ लेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप अच्छी तरीके से उनको कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैंने 3 सिद्धांत बताए हुए हैं, जीन पियाजे का, वेवटस्की का और कोहलबर्ग का। वो आप लोग जो है पूर्ण रूप से देख लीजिए। अगली बार जब हम बात करेंगे तो अधिगम के सिद्धांतों की बात करेंगे, बुद्ध के सिद्धांतों की बात करेंगे, मैस्लो का जो है पदानुक्रम सिद्धांत पढ़ेंगे, और साथ ही साथ और भी जो जितने भी सिद्धांत हैं जो जो भी इम्पोर्टेंट है उसकी मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा जो पर्यावरण की सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहे। कुछ लोग कह रहे थे कि जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा जो है हैंड रिटन नोट्स जो है लिख करके जो है उनको आप लोगों के बीच लेके आऊँ, जिससे आप लोग कायदे से उससे पढ़ सकें। दोस्तों आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लाइक ज़रूर कीजिए, आपका 1 लाइक जो है मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।